दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में एग्नोवेट जेल के बारे में। भाई क्या है, कहाँ लगाई जाती है, किस तरह से काम करती है, सावधानी क्या बरते हैं, साइड इफेक्ट क्या करती है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा। देखिए एग्नोवेट जेल एक ब्रांड नेम है एपेक्स कंपनी का, काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बनाती है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दोस्तों कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब तो कर देते हैं लेकिन इस नाम से दवाई की दुकान पर नहीं मिलती है, तो आप दूसरी ले सकते हैं। जैसे कि फेस क्लीन 80 जेल आती है अबॉट कंपनी की, कलिंडेक एपी जेल आती है एलकेम कंपनी की, ठीक है। आप दोस्तों ले सकते हैं नीलेक ए जेल आती है माइक्रो कंपनी की, तो काफ़ी सारी कंपनियां बनाती है, ये कुछ पॉपुलर नेम है जो कि मिल जाते हैं। बात करें भाई कहाँ चलती है, तो देखिए कई बार फेस की स्किन के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जिनके कारण फिर स्किन खराब होती है, नई नई फुंसियाँ आने लगती है, गिल मुहासे आ जाते हैं, स्किन लाल रहती है, इन्फ्लामेशन रहता है, दर्द रहता है, वहाँ पर फिर ये लगाने के लिए दी जाती है, खाना नहीं है, ठीक है। किस तरह से काम करती है, पावर क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं दो कंटेंट। पहला है कलिंडामाइसिन 1%, दूसरा है दोस्तों एडापेलिन 0.1%। कलिंडामाइसिन एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। एडापेलिन दोस्तों वाइट हेड ब्लैक हेड मुहासों को बनने से रोकता है, ठीक है, फुंसी को ये ठीक करता है, निशान को रिमूव करता है, साथ ही साथ ऑयल बैलेंस करता है। सीबम अगर ज़्यादा बन रहा है वहाँ पर भी उसको कंट्रोल करता है, स्किन के छिद्र को ओपन करने का काम भी करता है जिससे कि प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। बात करें भाई इसकी डोज क्या है, कितनी बार लगाई जाती है, तो देखिए आप दिन में 2 बार लगा सकते हैं। चेहरे को अच्छी तरह से धोने के बाद, सूखने के बाद अप्लाई करना है, उतने ही एरिया में लगाना जितने एरिया में आपका प्रॉब्लम है, बाकी सेफ एरिया में नहीं लगाना है। बात करें साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट क्या करती है, तो थोड़े बहुत हो सकते हैं, सभी को नहीं होते लेकिन कुछ लोगों को हो सकते हैं, जैसे कि जलन होना, इचिंग चलना, पपड़ी सी बन जाना, ये इसके साइड इफेक्ट है जो रेयर है, हर किसी को नहीं होते, घबराने की बात नहीं है। दोस्तों सावधानी की बात करें तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, सेल्फ यूज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में ब्रेस्टफीडिंग महिलाएं हैं वहाँ पर भी डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। लगाने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, कोई मेजर साइड इफेक्ट दिखे तो इसका यूज तुरंत बंद कर दीजिएगा। संपूर्ण रिव्यू था, वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, कुछ भी समझ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।